So hey, what's up guys, Harsh and back with the video. So guys, in this video I'm gonna show you that how you can remove this lock screen password from your iPhone device. गाइज जो ये वाला मेथड है ये सारे के सारे आईफोन्स के साथ काम करता है. जैसे कि आप देख सकते हो जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये है गाइज, ये नए वाला पुराने वाला आईफोन एस मतलब मिडल वाला आईफोन SE 2020. एंड गाइज मैंने इसमें पर्पजली एक हमारा लॉक स्क्रीन लगा दी है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो. इसका पासवर्ड मेरे को पता है कि क्या पासवर्ड है. जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोन मेरा अनलॉक हो रहा है, बट गाइज हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम इसका पासवर्ड भूल चुके हैं. एंड गाइज इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू जस्ट दैट. और गाइज जो ये वाली एप्लीकेशन का मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज, ये बहुत ही अल्टीमेट एप्लीकेशन है, ये ऑल इन वन एप्लीकेशन है. आई जस्ट शो यू इन अ वाइल कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. इसमें गाइज हम जो एक्टिवेशन लॉक लगता है हमारे मोबाइल फोन्स पर उसको भी बायपास कर सकते हैं. हाउएवर गाइज मैं एक छोटी सी अपडेट दूं आपको, तो iOS 15 पर अभी हम एक्टिवेशन लॉक को बायपास नहीं कर सकते हैं. ऐसा बेसिकली इसीलिए है क्योंकि जो चेकरेन है वो हमारे iOS 15 के साथ कंपैटिबल अभी नहीं हुआ है. जैसे ही चेकरेन जेलब्रेक हमारे iOS 15 के साथ कंपैटिबल हो जाएगा, हम गाइज एक्टिवेशन लॉक भी रिमूव कर पाएंगे अपने iOS 15 डिवाइसेस से. सो गाइज फिलहाल के लिए हम अपनी लॉक स्क्रीन के बारे में ही बात करते हैं, एंड लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. एंड सो ऑल गाइस, जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ गाइस वो है टेनोर शेयर का 4U की स्क्रीन पासवर्ड अनलॉकर. गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली इनकी एप्लीकेशन है गाइस, इसमें सब कुछ मेंशन है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं. ऑब्वियसली गाइस 4 digit, 6 digit, टच आईडी, फेस आईडी फ्रॉम अपने आईफोन, आईपैड, आईपैड, आईपॉड से हटा सकते हैं. ऑब्वियसली गाइस स्क्रीन टाइम पासवर्ड भी हम इससे हटा सकते हैं. एंड गाइस इससे हम एप्पल आईडी को भी हटा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्टिवेशन लॉक, ये बेसिकली एप्पल आईडी जो है एक्टिवेशन लॉक ही है, हम इसको भी इससे हटा सकते हैं. और गाइस ये सारे के सारे लेटेस्ट आईपैड, आईओएस और आईपैड से कंपैटिबल है, आईपैड ओएस से. जैसे कि आप देख सकते हो आईफोन 13, आईफोन SE 3 से भी कंपैटिबल है, सारे के सारे आईफोन से कंपैटिबल है ये गाइस. इसमें मेंशन नहीं है, बट देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एप्पल आईडी वाला मेथड है वो गाइस हमारे नए वाले फोन में मेंशन नहीं है iOS 15 पर. सो iOS 14 पे वो A10 से नीचे वाले डिवाइसेस पे कंपैटिबल है ऐसा गाइस. इसी जो भी डिवाइस चेकरेन से जेलब्रेक हो सकता है उसमें से हम एक्टिवेशन लॉक को हटा सकते हैं. सो गाइस बेसिकली वेबसाइट पे ऐसा कुछ खास तो नहीं है गाइस, सिंपली यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो गाइस यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट में ऐसा कुछ खास मेंशन तो नहीं है गाइस. आई ऑलरेडी हैव इट इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा. सो गाइस मैं फटाफट से यहाँ से ओपन करता हूँ अपने टेनोर शेयर की 4U की एप्लीकेशन. एंड गाइस करंटली जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने इस कैमरे को इधर रखता हूँ. सो गाइस अब मेरे हिसाब से सारा पार्ट स्क्रीन पे ही दिखाना है, इसलिए मैं इस वाले कैमरे को ऑफ करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको. एनीवे गाइस जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन का. यहाँ से गाइस हम iOS स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक एप्पल आईडी. ये गाइस बड़ा ही अल्टीमेट फीचर है, हाउएवर ये अभी कंपैटिबल नहीं जैसे मैंने को बताया, बट ये बहुत अल्टीमेट फीचर है. स्क्रीन टाइम पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, MDM को भी रिमूव कर सकते हैं. सो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ गाइस. जैसे कि आप देख सकते हो मैं कोई भी पासवर्ड इसमें नहीं डालूंगा, एंड मैं ट्राई करूंगा कि इसमें कोई कट्स ना डालूं वीडियो में. वैसे गाइस एक मैं डिस्क्लेमर आपको दूं, तो गाइस ये वाला काम हम iTunes से भी कर सकते हैं, बट गाइस हमारा जो iTunes है उसके लिए आपको एक एडवांस यूजर होना पड़ेगा. आपको वन क्लिक में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. इसमें गाइस सारा का सारा चीज़ वन क्लिक में हो जाती है. एंड गाइस एडिशनली इसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं एप्लीकेशन में जो कि हम अगेन iTunes से नहीं कर पाएंगे. सो गाइस मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ. एंड गाइस अभी मेरे को बोल रहा है कि अपने डिवाइस को DFU मोड पर डालो. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया है कि अनलॉक करो अपने मोबाइल फोन को टू यूज दिस एक्सेसरी. ऑब्वियसली गाइस हमें तो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें इसका पासवर्ड पता ही नहीं है, तो मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगा, मैं सीधे इसको रिकवरी मोड पर ले जाऊँगा. रिकवरी मोड पर ले जाने के लिए जो नए वाले डिवाइसेज हैं उनको क्या करना पड़ता है सब कुछ वैसे मैंशन है यहाँ पे. सो मैं फटाफट से पावर अप बटन दबाऊंगा, पावर डाउन दबाऊंगा और ये वाला बटन होल्ड करके रखूंगा. सॉरी वॉल्यूम अप दबाऊंगा, वॉल्यूम डाउन दबाऊंगा और पावर बटन को होल्ड करके रखूंगा. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ भी आ रहा है आने दो, एप्पल लोगो आ रहा है आने दो गाइस, हमें बस इसको लॉक प्रेस करके रखना ही रखना है. मैं इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ. एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अब मेरा डिवाइस रिकवरी मोड में आ गया, और गाइस यहाँ पर भी डिटेक्ट हो चुका है कि हाँ भाई अपना आईफोन SE 2020 और अपना सब कुछ चीज़ें डिटेक्ट हो चुकी हैं गाइस. यहाँ पे अभी क्या करेगा, ये IPSW फाइल डाउनलोड करेगा, मतलब जो फाइल इसमें फ्लैश होनी होगी iOS की उसको ये डाउनलोड करेगा गाइस. मेरे पास ये ऑलरेडी है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा. आपके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना पड़ेगा. सो गाइस अननेसेसरी 3-4-5 GB की फाइल होती है, इसलिए मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा. मैं सिंपली मैनुअली लोकेट कर दूंगा जहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है इस वाली फाइल को. सो गाइस ओके टेनोर शेयर 4U की, एंड यहाँ पे मेरे पास ये फाइल प्रेजेंट है गाइस. ओके अभी डिटेक्ट नहीं हुई है फाइल हमारी इस एप्लीकेशन में. मैं ठीक है हो गई है.
सो गाइज अब मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट रिमूव पर एंड गाइज लेट्स जस्ट सी क्या होता है। वैसे गाइज मेरे को पक्का पता है कि ये जो नया iOS फ्लैश कर देगा और सारा का सारा डेटा गाइज जो मेरे मोबाइल से है वो डिलीट हो जाएगा। अगेन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ हम iTunes से भी कर सकते हैं। ओके सो नेटवर्क एब नॉर्मल। ओके सो इसके लिए आपको इंटरनेट भी चाहिए होगा। एंड सो ऑलवेज अब मैं यहाँ पे स्टार्ट रिमूव पर क्लिक करता हूँ। गाइज लेट्स जस्ट सी क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने अपना फोन भी इस वाले हैंड में रख रखा है अपने। एंड गाइज जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा गया रिमूविंग द स्क्रीन लॉक। सो गाइज मैं अपने फोन को यहाँ पर प्लेस करता हूँ एंड मैं इस पूरे पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कोई भी कट ना डालूँ इस पार्ट में। गाइज जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फोन यहीं पर रखा रहेगा थ्रू आउट द वीडियो और मैं इसमें कुछ भी कट नहीं डालूंगा। सो ऑलराइट गाइज ये वाला कट आपको इसलिए देखने को मिला है क्योंकि नीचे मेरे स्टूडियो में इंटरनेट की स्पीड सही से नहीं आ रही थी, इसीलिए गाइज मैं ऊपर आ गया हूँ एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन। एंड सो ऑलराइट गाइज मैंने अराउंड 15 मिनट वेट किया होगा। एंड गाइज जैसे कि आप देख सकते हो मेरे जो आईफोन है ये अनलॉक तो हो चुका है। गाइज मैं फटाफट से इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, इसको सेटअप करता हूँ। बेसिकली इसमें एक्टिवेशन लॉक लगा होगा और जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं फ़ोन की उन सबको मेरे को सेटअप करना है। एंड सो ऑल राइट गाइज फाइनली जैसे कि आप देख सकते हो गाइज मेरा डिवाइस हो चुका है अनलॉक। हाउएवर गाइज ये पूरा का पूरा डिवाइस रीसेट हो चुका है बट गाइज मेरा जो पासवर्ड है वो हट चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं इसको अनलॉक करूँगा यहाँ से सो मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है। एंड गाइज कुछ इसी तरह से अपने लेटेस्ट डिवाइसेज के साथ भी अपना पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। एंड गाइज ड्यू टू वट एवर रीजन मेरे को लग रहा है कि मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, शायद से फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट हुआ इसलिए लग रहा हो। बट गाइज जैसे कि आप देख सकते हो जो चीज़ आप देखने आए थे इस वीडियो में वो आपको पता लग गई है कि किस तरह से हम इसमें से अपना पासवर्ड को अनलॉक कर सकते हैं। एंड गाइज एज यू कैन सी द पासवर्ड हैज़ बीन रिमूव्ड। सो बेसिकली गाइज मेरे हिसाब से आप सिर्फ यही देखने आए होंगे इस वीडियो में एंड आई थिंक दैट्स टॉप फर्स्ट प्री मच फॉर दिस वीडियो। एंड गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए देन यू विल डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक। एम करते हैं 100 लाइक्स के इस वीडियो पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस एंड आई एम आउट।